कैदी यह सबक के परवरदिगार सारे मिल के सलवात पढ़ो बुलंद आवाज के नाल माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से दूर है वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है वो जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल कुछ और हो ना हो वो हरामी जरूर है। अदब के हदूद के अंदर अदब के हदूद के अंदर के दीन बंद है वो जैसे दुरूद के अंदर अली के नाम का नारा वही लगाता है। क्या बात है। अली के नाम का नारा वही लगाता है। अल्लाह खून है जिसके वजूद के अंदर नारा है अली। वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है वो जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल कुछ और हो ना हो वो हरामी जरूर है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज ना मलक अर्शद क्या दे तुम्हारी ज़ेनी निपासत की दात देते हैं तुम्हारी ज़ेनी निपासत की दात देते हैं तुम्हारे प्यार की उल्फत की दात देते हैं। जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मलक तुम्हारी माँ की शराफत की बात देते हैं। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ ना एक पुराना नक्शीदा उस तो बाद तबलीग सी दर्शना चाहता है। मैं इंशाल्लाह 15 मिनट दे दर्शना ठीक है। एक जोश दे दार मारो शाही नजब दे नाम दे ऊंची आवाज दे नाल गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की गदाई करेगी है जन्नत उसी विलायत अली की गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की।
गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की। मवाली हलाली है इनकी रगों में रची है लोगों मुहब्बत अली की। पकड़ पकड़ के ले सन गिरे पानी से खींचते ला रहे हैं, गिरे पानी से खींचते ला रहे हैं, इसे इसलिए मारते आ रहे हैं कि ये कर रहे थे शिकायत अली की। सलवात पढ़ो बुलंदवाल देना। कुछ लोग पकड़ के लेके आसन वासन असल जमाने के खलीफे रह चुके हैं, सब क्यों पकड़े जा रहा है ये गल आखन फरिश्ते इन्हां को छिड़ दे के परमेश्वर ने करो आंखें नीची वो सहारा के दुश्मन जमाने दसा कसीदिया के बराबर कसीदा अब तबलीगी कसीदा है। मैं ये नहीं कहता तुम सुन सो तो मजा से सलवार पढ़ो बुलंद आवाज दे रहा किया जुल्लशीरा जो मुर्तजा से वही आज बादा निभाना पड़ेगा। किया जुल्लशीरा जो मुर्तजा से वही आज बादा निभाना पड़ेगा। वही आज वादा निभाना पड़ेगा। किया जुल्लशीरा में जो मुर्तजा से वही आज वादा निभाना पड़ेगा। नबुव्वत दूंगा मगर मुर्तजा की विलायत का कलमा सुनाना पड़ेगा।
नबुवत किस किस वजह नाल मिली है? नबिया सारे इकरार किया, अल्लाह की बहादुरियत का इकरार किया, मोहम्मद मुस्तफा तेरी नबूवत का इकरार किया है। तीसरी शब्द दसना चाहना, मेरा यार मेरे नबी मुस्तफा का बड़े प्यार से तुमने कलमा पढ़ा है। मेरा यार मेरे नबी मुस्तफा का बड़े प्यार से मैं हर शय का आलम हूँ ए दुनिया वाले
कभी आज वादा निभाना पड़ेगा। सलावत पढ़ो वृंदावन लाल। मैं इलम दे शहर दी दुख तरह वो मेरा शौहर इलम दबावे ते मैं जान दिया इंज किस्मत विच वो शिशान वाला ते पे पीसनी लोग शराबे। अजमत मौला हुसैन इस्लाम पुर खलूस बलंदर सलवा मम्मी ने एक लाइन बात फरमाए। मजलिस इंशाल्लाह 7 बजे शुरू हो जाएगी और मजलिस के फौरन बाद तबूत अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद होगा। और एक और अनाउंसमेंट फरमाएं, मुहर्रम का चंदा 150 पाउंड है, बराए मेहरबानी हाजी बाग साहब को जमा करा दें। और एक और अनाउंसमेंट फरमाएं, कल रात शब अशूर के अमाल 12 बजे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। बाबा से बुलंद सलवा रूहे अजा है बाप तो बेटा नमाज़े दीन, मस्जिद अली की है तो मसल्ला हुसैन का। रूहे अजा है बाप तो बेटा नमाज़े दीन, मस्जिद अली की है तो मसल्ला हुसैन का। जागीर किबरिया हुई तकसीम इस तरह, काबा अली का अर्शे मुअल्ला हुसैन का। अदब व एहतराम से गुजारिश की जाती है इस्तेमाल वाजिबुल कदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला व काबा किबला मौलाना जनाब फिरोजाबाद साहब की खिदमत में वो आए और बारगाह मौला में जिक्र आले मोहम्मद से मोमिनीन को मुस्तफीद फरमाए। इनसे पहले मोहब्बत के साथ मिल के मेरे साथ नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे रिसाले, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, दुश्मनान अहले बैत लानत, विष्णु दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद तर सलवा। शफात को पैगंबर न मिलेगा। दर इल्म का हैदर है, नबी इल्म का घर है, जो दर से न गुजरा उसे उसे घर न मिलेगा। है एक जगह इश्क हैदर से भी खाली, है एक जगह इश्क हैदर से भी खाली, दोजख में कोई आशिक हैदर न मिलेगा। अक्सर मैं सोचता
सोचता हूँ किस बात के लिए, अक्सर मैं सोचता हूँ किस बात के लिए, एक आलमा चली गई एक जाहल के सामने, एक आलमा चली गई एक जाहल के सामने, एहसान कर गई हम पर हसनैन की माँ, एहसान कर गई हम पर हसनैन की माँ, हक बोलना सिखा गई बातल के सामने। नारा हैदरी। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي التهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على جتنے بھی مومنین و مومنات ان مجالس اعضاء میں شرکت کر چکے ہیں یہ شرکت کر رہے ہیں بزرگ بچے نوجوان خواتین پروردگار عالم ان سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو جملہ آفات و بلیات اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے سب کو زیادہ سے زیادہ کار ہے خیر انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے اور ان کی اس عبادت کو جسے انجام دینے کے لیے وہ روز آتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بہت سے بیماروں کی طرف سے پیغام آیا تھا اتفاق سے دو تین مجالس میں آخر میں چونکہ شبی وغیرہ ہوتی تھی اور شروع میں میں بھول جایا کرتا تھا اس لیے دعا نہیں ہو سکی پروردگار عالم ایک کوئی بچی ہے سکینہ کافی سیریس ہے پروردگار سے صحت و سلامتی اور ہمارے سامنے آج ملازم صاحب تشریف فرما ہے شکر ہے کہ اس لائق ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں بہرحال جو بھی کمی ابھی ہو ان کی صحت و سلامتی میں پروردگار انہیں صحت و سلامتی و شفا کامل و عاجل عطا فرمائے ادھر ہمارے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں ادھر بھی جو جن کی سعی و کوشش دین کو آگے بڑھانے اور دین کے مقدسات پہ عمل کرنے کی ہوتی ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کی ہدایتوں کے زیر سایہ ہمیں دین کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق کرامت فرمائے ان سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے ان کو عمر برکت رزق وسعت عنایت فرمائے معبود ان تمام نوجوانوں کو جو روح قیدہ میں اضافہ
करने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं परवरदिगार, उनको भी सही रास्ते पे हमेशा बाकी रखे और उन्हें दीन के रास्ते पर चलते रहने की तौफीक करामत फरमाए, अमाल को कबूल करे फरमाए और उन्हें हर तरीके से हर लम्हा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इनके अलावा जिन जिन लोगों ने दुआओं को मेरे हवाले किया है महबूब, उन तमाम लोगों की जायज़ दिलिया पूरा फरमाए। हाँ, इज्तमाही तौर पर ख़वातीन को याद करना, हाँ ज़ाहिर है मुझे ख़ुद भी याद नहीं है, इसलिए जो हजरात भी मोमिनीन मोमिनात में या ख़वातीन बीमार हैं, महबूब ने सेहत व सलामती व शफाए कामिल व आजिल अहले बैत तहरीर के सदक़े में अता फरमाए और उन सब को हर लम्हा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उम्र में बरकत और इस पर वसअत इनायत फरमाए। एक मरतबा मिलजुल के सलामत पर मुहम्मद व आले जैसा कि आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहा कि महबूब इरशाद फरमा रहा है, दीन तो बस अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ाने गिरामी, मज़हब इस्लाम, कल मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ ज़बानी तौर पे कलमा पढ़वाने के लिए नहीं आया था, बल्कि दीन ये चाहता था कि इंसान उसके अहकाम को अपने आज़ा और जवारे के अंदर महफूज कर ले और उसी अंदाज से अमल करे जैसा दीन चाहता है, उस अंदाज से चले जिस अंदाज से दीन उसे हुक्म दे रहा है, ताकि उसे खालिक की रज़ा और खालिक की खुशी नसीब हो सके। देखिए, दीन और बेदीनी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़रा सा फ़र्क है दीन और बेदीनी के अंदर। एक इंसान चाहता है किसी को अपने लिए शरीक हयात करार दे, माशाल्लाह जी, मज़हब ने कहा ये एक जुमला है ये पढ़ लो, छोटा सा जुमला है कहिए पढ़ लो, अगर हमने उस जुमले को पढ़ लिया तो नस्लें बाइज्जत अंदाज में ज़िंदगी गुजारेंगी, और अगर हमने कहा नहीं इस जुमले से क्या होता है, पढ़े या ना पढ़े, तो फिर ज़िंदगी भर हमारी नस्लें सर झुका के जिएंगी, मुआशरे में सर उठाने के लायक नहीं रहेंगी। तो दीन और बेदीनी में इतना ही फर्क है कि अहकाम खुदाए बंदी को तस्लीम कर लेने को दीन कहा जाता है और अहकाम खुदाबंदी से सरताबी करने को बेदीनी कहा जाता है। ये सारे मसाइल में आप मलूद रखें अज़ीज़ाने गिरामी, चाहे वो बज़ाहिरन नमाज और रोज़ा और जो ज़कात का मसला हो, और चाहे वो आज़ादारी या गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हो, हर जगह इस बात को मलहूज़ रखें कि दीन हमसे क्या चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक गुफ्तगु कर रहा था, देखिए ये जो आज़ादारी हम और आप कर रहे हैं, इस ये आज़ादारी कितनी अहम है, कितनी बुलंद है, इसको कितनी बुजुर्गी हासिल है अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में, अहले बैत की निगाह में। पैगंबर फरमाते हैं मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहु अल्जन्ना, जो हुसैन पे रोए रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पे वाजिब। छोटा सा जुमला है मगर कितना बड़ा जुमला है, पैगंबर फरमाते हैं जो हुसैन पे रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पे वाजिब है। और आगे एक फकरा है, आरिफन ले हक्के हुसैन का हक पहचानते हुए। ये सारी शर्त कब है, रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पे वाजिब है, आरिफन ले हक्के, जब हक के इमाम आली मकाम को समझ के आदमी रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पे वाजिब है। कोई कह रहा है रोए तो ठीक है रोलाए तो ठीक है, ये रोने वाले की सूरत बनाए उस पर कैसे अजर हो सकता, माशाल्लाह माशाल्लाह। सवाल पैदा होता है
कि रोए ठीक है, रोलाए ठीक है, रोने वाले की सूरत बनाए, इस पे अजीब कुछ समझ में नहीं आता। सूरत बनाए, रोना नहीं आ रहा है मगर रोने वाले की सूरत बनाए, तवज्जो है ना। मजहब कहता है जबरदस्ती किसी चीज में नहीं है। अगर रोना नहीं आ रहा है तो कम से कम रोने वाले की सूरत बना के तुम ये बताओ कि मैं रोना चाहता हूं मगर रोना नहीं आ रहा। तवज्जो है ना। जो हम ये कोशिश कर रहे हैं ना, उसी का हमें अजर मिलने वाला है। माह मुबारक रमजान पे हमें रोजे वाजिब किए गए, लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई मुसाफिर है, कोई किसी और उदरे शरीर में मुब्तला है, तो मजहब ने कहा तुम रोजा मत रखो। उससे कहा तुम रोजा मत रखो, लेकिन कहा कि देखो इमसाक करो। इमसाक का क्या मतलब होता है? रोजा नहीं हो मगर जितना कम से कम खा सकते हो उतना कम से कम खाओ, और हर एक के सामने ना खाओ, रोजादार के सामने ना खाओ। तुम भी जितना कम खा सकते हो एहतराम है रोजा में, उतना कम खाओ और रोजादारों के सामने ना खाओ, बल्कि शक्ल बनाए रहो रोजादारों की। शक्ल बनाने से भी फायदा ये होता है, अगर हमको इजाजत मिली है और हम सबके सामने खाने लगेंगे तो कल उसका नतीजा हो सकता है ये निकले कि बहुत से बेउज्र वाले भी रोजा छोड़ने लगे, तवज्जो है ना। लेकिन अगर रोजा न रख के भी रोजादार की शक्ल बनाए रहेंगे तो आदमी समझेगा कि बीमार है मगर ये रोजा रखे हुए हैं, तो हम शफायाब है तो रोजा क्यों ना रखे, तवज्जो है ना। तो चूंकि मजहब की तरवीज हो रही है खाली इंसान की वजह से, लिहाजा खुदा कहता है अगर कोई रोजा नहीं रखे है मगर खाली रोजा रखने वाले की शक्ल बनाए हुए है उसको भी हम अजर देंगे। पैगंबर कहते हैं अगर किसी को रोना नहीं आ रहा है खाली रोने वाले की शक्ल बना रहा है तब भी हम उसे अजर दे देंगे। सलावत करिए मोहम्मद वाले को। सारा काम कब होगा? एक जुमला आरिफन बेहक हुसैन के हक को पहचानते हुए इंसान रोए, हुसैन के हक को पहचानते हुए इंसान रोलाए, हुसैन के हक को पहचानते हुए रोने वाले की सूरत बनाए, तो नबी कहते हैं मैं जमानत ले रहा हूं जन्नत उस पर वाजिब। और अगर नहीं, अगर नहीं, अगर खाली हम ये सोचें कुछ भी करते रहें रो लेना काफी है, अगर हम ये सोचे हैं कि कुछ भी करते रहें बस मजलिस में जाके बैठ जाना काफी है, हम ये सोचे हुए हैं कि हम कुछ भी करते रहें मातम कर लेना काफी है, हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी करते रहे अलम उठा लेना काफी है, हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करते रहे नमाज पढ़ लेना काफी है। नहीं अजीजा ने गिरामी, काफी नहीं है, बल्कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं इस करने के जरिए। अजीदारे गिरामी, वरना खाली अगर रोने का मामला होता तो हुसैन पे कौन नहीं रोया, खाली रोने का मसला है तो हुसैन पे कौन नहीं रोया, शिशमाही के होठों पे जबान फेरी है हुरमुना रो दिया, उमर साद रो दिया, यजीद की फौज रो दी, खुद यजीद हुसैन पे रो रहा है, माली वली हुसैन सर को टकरा रहा है दीवारों से, कहता हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं उसे कत्ल कर दिया, यजीद रो रहा है। इन रोने वालों को किस उम्र में ले जाएंगे, क्या बात है, ये हुसैन के हुसैन के बच्चों ही पे दौड़ रहे हैं, का हर रोना जन्नत तक नहीं ले जाता, हमारे पद के साथ रोना जन्नत तक ले जाता। इंसान को जन्नत तक ले जाता है, मकसद हुसैन को समझते हुए रोना इंसान।
हमको जन्नत ले जाता है। अजीजान गिरामी, बहुत सारे मराहिल होते हैं जहां हमको और आपको गौर करना है। दीन जिसके ऊपर हम अमल करते हैं ना, वो दीन बहुत बुलंद है, उसको समझने की जरूरत है। दीन को समझने की जरूरत है, दीन के गहराइयों तक उतरने की जरूरत है, तब इंसान को पता चलेगा कि असलन दीन क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज़ादारी के अय्याम में मैं मोमिनीन गिराम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम और आप कोशिश करें कि हमारी नमाजें पर खुलूस हो, हमारा रोजा पर खुलूस हो, हमारा हज पर खुलूस हो, हमारी ज़कात पर खुलूस हो, हमारा खुम्स पर खुलूस हो, हमारे अम्र बिल मारूफ और नहीं अस मुनकर पर खुलूस हो, हमारा तवल्लुअ पर खुलूस हो, हमारी बरात पर खुलूस हो, हमारे ये अय्याम अज़ा के आमाल पर खुलूस हो, हमारी मजलिसें पर खुलूस हो, हमारे ताज़िये पर खुलूस हो, हमारा मातम पर खुलूस हो, उस अंदाज से हो जैसा हुसैन चाहते हैं, उस अंदाज से हो जैसा असहाब हुसैन चाहते हैं, उस अंदाज से हो जैसे रसूलुल्लाह चाहते हैं, उस अंदाज से हो जैसे अइमे अथहार में सलातो सलाम चाहते हैं। अजीजों, इमाम आली मकाम जब करबला के सिम चले हैं तो क्या कहते हुए चले हैं, इन्नी लमा खुली अशरा वला बतर, मैं घमंड करता हुआ नहीं निकला हूं, मैं अकड़ दिखाता हुआ नहीं निकला हूं, मैं किसी से मुकाबले के लिए नहीं निकला हूं, खरश तो ले तलब इस्लाम फिर उम्मत जद्दी मोहम्मद, मैं इसलिए निकला हूं ताकि अपने नाना की उम्मत में इस्लाह करूं, अपने नाना की उम्मत में इस्लाह करूं, उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि लोगों को अच्छाइयों की दावत, बुराइयों से रोकूं। मेरी ख्वाहिश यह है कि यह उम्मत मेरे नाना और दादा के रास्ते, मेरे नाना और बाबा के रास्ते पर चलती रहे। तवज्जो है मेरे जाने के रानी, मेरा मैं ये पूछता हूं, हुसैन बिगड़ा यजीद है, जो रास्ते से हटा है वो यजीद है, और आप कह रहे हैं मैं उम्मत की सलाह को जा रहा हूं, नहीं तवज्जो दिया, सलाह तो उसकी होती है ना जो बिगड़ जाता है, तो बिगड़ा हुआ यजीद है वो शराबें पी रहा है, वो फिर सब हुजूर कर रहा है, वो कुत्तों से खेल रहा है, वो न छुड़ाने का शैतानी है, वो हराम को हराम कर रहा है, तो आका यजीद बिगड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं मैं उम्मत की सलाह करने के लिए निकला हूं, तो जो है मेरे लाले ग्रामी हुसैन कहते हैं अगर उम्मत सही होती तो यजीद जैसा इंसान उम्मत मुसलमान का खलीफा न बन जाता, तो जो है मेरे लाले ग्रामी पता चला अगर माशरे में कोई कायम बोला दिखाई दे तो माशरे की सलाह की जरूरत है, इसकी सलाह करो ताकि उस ऊपर बढ़े हुए को घसीट के नीचे ले आए। मकसद को समझने के साथ साथ हमारी आजादारी, हमारे अमाल, हमारी नमाजें, हमारा रोजा, हमारा हज व ज़कात सब इस लायक है कि बारगाह परवरदगार में कबूल हो, और अगर हम मकसद को नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये किस करने से कोई फायदा और कोई नतीजा नहीं है, लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि जो काम करे उसमें उतना ही ज्यादा खुलूस हो, उतना ही ज्यादा खुलूस पैदा करे। इंसान जब खुलूस अपने अंदर पैदा करता है ना, वो खुलूस कब पैदा होगा, जितनी ज्यादा खुदा और रसूल अहले बैत ताहिरीन से मोहब्बत होगी, उनके आमाल से उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होगी, और फिर जब उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होगी तो हम उतनी ही ज्यादा खुलूस के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा खुलूस कितनी कीमती चीज होती है। जब आदमी के अंदर खुलूस हो, उसने नीयत हो, पाकीज़गी का किरदार हो, तो फिर उसको कुव्वत और ताकत की जरूरत नहीं होगी,
उसको लश्कर की जरूरत नहीं होती, उसको मजने की जरूरत नहीं होती। 39 दिन तक लश्कर जाता रहा। खलूस लिल्लाहियत जब होती है तो होता क्या है? गए और वापस आए, नबी ने पूछा क्यों आए? कहा हम क्या करते, लश्कर भाग गया। लश्कर ने पूछा तुम क्यों आए? कहा हम क्या करते, सरदार भाग गया, सरदार के लिए मोहम्मद वाले हो तो पता भी नहीं चलता कि कौन भागा है। सलावत कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक खुदा उसके दोनों हाथों पर फतह नसीब न करते। और दूसरे दिन जब अमीरुल मोमिनीन को अलम दिया गया, मैंने कहा मुझे पूरे खैबर नहीं पढ़ने, मुझे तो खाली एक मरहले तक गुजरना है। मौला को अलम दिया गया, अमीरुल मोमिनीन आलम लेके चले, लश्कर वालों ने कहा अली ठहर जाओ, हम भी चल रहे हैं। अली आवाज दे रहे मुझे लश्कर की जरूरत नहीं, वहां सारी कुव्वत और ताकत खुदा से मांगी जाती है। जहां खलूस और लिल्लाहियत होती है वहां सारी ताकत सारी कुव्वत और हर तरीके की मदद किससे मांगी जाती है? अल्लाह से मांगी जाती है। तो अल्लाह मददगार भी होता है अमीरुल मोमिनीन के। वैसे ही मैंने कहा मुझे पूरा पढ़ना नहीं था, मुझे सिर्फ ये इशारा करना था कि जहां लिल्लाहियत नहीं होती लोगों का सहारा होता है, वहां क्या होता है? जहां लिल्लाहियत होती है वहां क्या होता है? अली कह रहे मुझे लश्कर की जरूरत नहीं। चले गए, जंग हो गई, मारा गया, किला फतह हो गया, किला फतह हो गया। यह काम था अली का जो अल्लाह के लिए गए थे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह के लिए गए थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब खैबर वालों ने उसके गिर्द खंदक खोद रखी थी, आसानी से कोई आ नहीं सके। सो अमीरुल मोमिनीन ने घोड़े को महमेस किया, पार करके चले गए। और जब पहुंच गए तो वहां दो रकात नमाज पढ़ी, दो रकात नमाज पढ़ने खड़े हो गए। काहे की परवरदिगार तेरा शुक्र कि जहां तक मुझे आना था बगैर रुकावट के मैं आ गया। दो रकात नमाज पढ़ने खड़े हो गए। वो जो ऊपर से उन लोगों ने देखा कि ये कौन है, कल तो हमारी शक्ल देखते ही लोग वापस चले जाते, ये कौन है जो इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है? खुदा से जब लगाव होता है तो इबादत उसके जिम्मे होती है। उन्होंने कहा काम आसान है, जब तक नमाज खत्म न होगी हटेगा नहीं अपनी जगह से। एक बड़ा सा पत्थर लो और उसके सर पर दे मारो, न जंग होगी न तलवार चलेगी, मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने कोहे अबू कुबैस से बड़ा सा पत्थर भेजा, ऊपर से नीचे तक आया, सरे अली से जरा ऊपर आके साया फेकन हो गया। पत्थर अली के सर पे साया करके बता रहा है, पत्थर मेरे लिए नहीं मेरे दुश्मनों के लिए आया।
جنگ ہوئی، قتل ہوا، بات ختم ہو گئی، قلعہ خیبر فتح ہو گیا، قلعہ قاموس دروازہ علی نے ہاتھوں میں لے لیا، اور آپ لشکر انتظار کر رہا ہے. علی نے کیا کہا تھا؟ میرا کام جو ہے میں جا رہا ہوں، تم آنا اپنا کام کر لینا. اب کیا معاملہ تھا؟ اب مال غنیمت کا مسئلہ تھا، لشکر انتظار کر رہا ہے. امیر المومنین نے اس دروازے کو ایک طرف رکھا، خندق کے ایک طرف، دوسرے سرے پہ پہنچے. اتنا بڑا دروازہ نہیں تھا، اتنی چوڑی خندق کھود رکھی تھی کہ یہ دروازہ دوسرے سرے پہ جا کے رکے، اتنا بڑا نہیں تھا. جب اتنا بڑا نہیں تھا تو امیر المومنین نے دوسرا سرا اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا، ایک سرا خندق کے اس پار رکھا، دوسرا سرا اپنے گھٹنے پہ رکھا. اور اس کے بعد لشکر نے آنا جانا شروع کیا، کچھ صحیح صحیح جا رہے تھے اور کچھ آزماتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھیں علی کے گھٹنوں میں طاقت کتنی ہے. کسی نے چلتے چلتے اچانک کہا، ارے دیکھا ذرا تم نے کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ دوسرا سرا علی کے گھٹنے پہ ہے. تو کسی اور نے کہا تم خالی گھٹنا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ جس گھٹنے کے اوپر دروازہ ہے وہ پیر ہما پہ آئے سلوار مل گیا کہ ریاض باللہ خاکم بدن، بات کرنے کا انداز بدل گیا، کم سے کم مڑ کے بات کرنی چاہیے تھی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں. کالی لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے، آخر تم اس انداز سے گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ خلوص علی نے کی، علی آواز دیتا ہے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے پڑھنے کا نہیں، جب تک دونوں ہاتھوں پہ فتح نصیب نہ ہو جائے. سروکار نہیں ہے، اگر میں ادھر جاؤں گا تو اور بہت سی باتیں جو آپ کی خدمت گزارش کرنی ہے وہ رہ جائیں گی. لہذا اتنی عرض کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ نے کیا، اگر خلوص نیت ہو، پاکیزگی عمل ہو، عمل میں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، نیت میں خلوص ہو، تو آدمی آگے بڑھتا اور خدا اس کی مدد وصلت کرتا ہے. دنیا میں مختلف جگہوں پہ مسلمان پریشانیوں میں مبتلا، گفتگو
अल्लाह के दिन से मजबूत है ना, हम उसके मानने वाले हैं ना। मुसलमान दुनिया में बहुत से जगह बल्कि जहां है वहां परेशान है, आए दिन मुख्तलिफ मसाइल में गिरफ्तार है और खाली अपने हालात को रो रहे। क्यों? इसलिए कि रोना आता है, सिर्फ दिली से दीन पे यकीन नहीं आता, सच्चाई के साथ मजहब पे एतमाद नहीं है। तो चूंकि सच्चाई के साथ मजहब पे एतमाद नहीं है, मजहब पे भरोसा नहीं है, कर ले रहे हैं मगर ठीक है, सब कर रहे हैं, हम भी कर ले रहे हैं। जो यकीन होना चाहिए, जो एतमाद होना चाहिए, जो भरोसा होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। जहां तरह से कुर्बानी का मसला आया, वहां माड़े तीर्षे होकर निकल गए कि कुर्बानी तो हम नहीं दे सकते, मजहब पे अमल कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तवज्जो है नहीं जाने के राजी। नतीजा क्या हो रहा, नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि हम परेशान रहते हैं मगर मदद कहीं से नहीं आती। यह हमारे अपने किरदार, हमारे अपने अफाल का नतीजा है कि हम परेशान रहते हैं, मदद कहीं से नहीं आती। एक सरजमीन थी जहां लोगों ने अल्लाह के नाम पे हालात में तब्दीली पैदा की। एक सरजमीन थी, ये हमारे दौर की बातें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सरजमीन थी जहां लोगों ने अल्लाह के नाम पे हालात में तब्दीली पैदा की। हालात में जब तब्दीली आई तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने अलग अलग अंदाज से इस तब्दीली को दोबारा उन्हीं हालात में बदलने की कोशिश की। जिन हालात में पहले वो जगह थी, अब जो है मेरे जाने के रानी, आपके खाने अली अगर पहुंच रहे हो तो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। जब उन्होंने कायदे से हालात का मुताला किया तो उन्होंने तय किया कि इन हालात को फिर पैदा जा सकता है, मगर उसके लिए हमें करना यह है कि हम अपने जहाज में ले, अपने जहाज में ले और वहां के अहम दिमागों को रातों रात उठा के लेके चले आए। तवज्जो है ना, अहम दिमागों को रातों रात उठा के लेके चले आए। तवज्जो है नहीं जाने के रानी, ये सोने वाले रात को सोते थे मगर ये कह के सोते थे अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम। परवरदगार सोना हमारी जरूरत है, हम सो रहे हैं मगर तुझे न नींद आती है न ऊंग आती है। तुझे न नींद आती है न ऊंग आती है, जब तक हम जग रहे हैं अपनी हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। लेकिन ये मामू जब हमें नींद आ जाए, तेरे नाम में सब कुछ किया है, हमारी हिफाजत का जिम्मेदार तू है। तवज्जो है ना इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। चुनांचे तीन याद चले उन आला दिमागों को लेने के लिए। जब पहुंचे उस जगह के करीब, एक सहरा आया, उस सहरा में वो तीनों आपस में टकरा के वही तरह होके गिरे। तवज्जो है ना इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। जब उन कमांडोज की लाशें वहां से उठाई जा रही है हमें बनाना चाह रहे हैं। अगर हम उसके पाबंद हो गए
तो इस दौर में भी खुदा हमारी मदद करेगा, माशाल्लाह। इस दौर में भी खुदा हमारी नुसरत करेगा। अजीजा ने मतलब फिर मुझे एक वाकया याद आ गया, आज की बात नहीं मालूम, मुझे लगता है इसी पे चलती रहेगी। सलावत कीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन पूरी दुनिया में, दीन पूरी दुनिया में, खुदा और रसूल का कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया में, मजहब इस्लाम को अपना मजहब कहने वाले पूरी दुनिया में, मानने वालों की कमी नहीं है, कमी अमल करने वालों की, कमी यकीन करने वालों की, कमी एतमाद करने वालों की है, कमी भरोसा करने वालों की है, कमी पाकीज़ा नीयत वालों की है, कमी खुलूस अमल वालों की है। अजीज़ आने के नाने इस दौर में भी मैं आपको फिर मिसाल देना चाहता हूं, यह मैं अपने दौर की बातें कर रहा हूं, अभी जो बात की वो भी हमारे दौर की है, अभी दोबारा दूसरी जो बात कहने जा रहा हूं वो भी हमारे दौर की है। उलमा में एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, हजरत आयतुल्लाह दस्त गैब शिराज़ी रिज़वानुल्लाह अलैह। माशाल्लाह, बहुत सारे उलमा हैं, लेकिन उन उलमा में एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, हजरत आयतुल्लाह दस्त गैब शिराज़ी रिज़वानुल्लाह अलैह। ये मोमिनीन जो बेचारे अरबी जबान से नावाकिफ हैं, मजहब की किताबें जरा कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे काम इनके जिम्मे हैं, लिहाजा दीन के काम में भी जरा कम रहते हैं, उनके दरमियान मैं इस लिबास में आ गया तो मुझे अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमों ने मालूम क्या किया, जो जी चाहे बेचारे कह ले। अंधों में काना राजा बनना तो बहुत आसान है। लेकिन पढ़े लिखों में मेरी क्या हैसियत है, बात तो जब है कि जब पढ़े लिखों में मेरी हैसियत बन क्या, जहां की मैं बात कर रहा हूं वहां एक हौजे में लाखों उलमा है। तब जो है नहीं जाने के रानी, मरजियत की मंजिल पे फायज अफराद 100 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, जो मरजियत की मंजिल पे फायज। ऐसे उलमा के दरमियान अगर किसी को मुअल्लिम इखलाक का खिताब मिल जाए तो अंदाजा लगाइए वो कितना बड़ा आलिम दीन है। सलावत कीजिए मोहम्मद वाले। तो जिन आगा का जिक्र कर रहा हूं वो है मुअल्लिम इखलाक, उन्हें खुद खिताब हासिल करना ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है ना। जिनकी बात कर रहा हूं वो मुअल्लिम अखलाक कहे जाते थे और उन्होंने सैकड़ों किताबें अखलाकियात में लिखी। मुझे जो उनकी जिंदगी से बात करनी है, मैं ये बातें इसलिए पेश कर रहा हूं, ऐ काश परवरदिगार हमें तौफीक इनायत फरमाए, जिस दीन को मानते हैं उससे बेहतर दीन नहीं है, जिन मासूमीन को मानते हैं उनसे बेहतर दुनिया में राहबर नहीं है, जिस मजहब पे हम चल रहे हैं उससे बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। अगर हमारा यकीन इत्मीनान दीन के ऊपर बढ़ जाए तो हमारे हालात तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए गुजारिश हम पेश कर रहा हूं अजीजों कि उन आलिम दीन का कि शहादत बात नहीं हुई। कैसे हुई? नमाज जुमा की इमामत के लिए जा रहे थे, एक धमाका हुआ और शहीद शिराज़। इमामत नमाज जुमा में जा रहे थे, इमाम जमात की नमाज जुमा की इमामत के लिए धमाका हुआ, शहीद हो गए। सलावत कीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
इनकी भी शहादत वाकई हुई, तो इनका जनाजा उठा और पूरे शहर शिराज गुरुबजवार के हजरात जो हैं वो सब के सब उसमें शामिल हो गए। और उस जमाने में शहीदों के जनाजे में जबरदस्त मजमा होता था, हजारों कभी कभी लाखों का मजमा हुआ करता था। मैंने खुद देखा है कि जनाजे बिल्कुल ऐसे चलते थे, कभी सुना करता था, मैंने अपने वालिद मोहतरम को लिखा भी था कि मैं सुनता था जनाजा फूलों पे चल रहा है, तो मैंने आज देख लिया कि जनाजा कैसे फूलों पे चलता है। किसी की उंगली नहीं लगती थी जनाजों पर और जनाजे आगे बढ़ते रहते थे, इतना मजमा होता था। तो मैं कह रहा हूं कि दीन को तस्लीम करना और दीन पे चलना दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। हमारी जो कमजोरियां हमारी जो परेशानियां हैं वो इसलिए है कि हम दीन को तस्लीम कर रहे हैं मगर दीन पे जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहे। तो वो शहीद हुए, हजारों के मजमे में तशी जनाजा हुई, उन्हें दफन कर दिया गया, उन्हें दफन कर दिया गया। जिस दिन उन्हें दफन किया गया रात जब आई है तो पड़ोस की एक बुढ़िया ने ख्वाब में देखा कि आगा तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे सैयद हाशिम से कह दो कि मेरे जिस्म के टुकड़े उस दीवार में लगे हुए हैं जहां मेरी शहादत वाकई हुई, लिहाजा उन टुकड़ों को समेट के मेरी कब्र तक पहुंचा। इस जमाने की बात में कर रहा हूं। उन्होंने सैयद हाशिम जो खुद आलिम दीन है उनको खबर दी तो ख्वाब ख्याल की बातों के आदमी इतना तवज्जो नहीं देता, नहीं तवज्जो दी उन्होंने। दूसरे दिन उस बुढ़िया ने फिर ख्वाब में देखा, फिर सैयद हाशिम को खबर दी, फिर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तीसरे दिन उसने भी ख्वाब में देखा और सैयद हाशिम ने भी ख्वाब में देखा। तवज्जो तो आज भी उन्होंने नहीं दी लेकिन इत्तेफाक से वहां से गुजरे उस दिन। इस तीसरे दिन के वाकये के बाद इत्तेफाक से जो दूसरा दिन आया है तो वहां से गुजरे जहां यह हादसा हुआ था। जब वहां से गुजरे तो उन्हें ख्याल आया तीन दिन से बुढ़िया कह रही है और आज मैंने ये ख्वाब देखा है। चल के जब यहीं से गुजर रहे तो देख तो लिया जाए कि वाकई ये ख्वाब सही है या नहीं। अब जो करीब गए तो वाकई दीवार की दरारों पे गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े यहां से वहां तक बिखरे हुए थे। चुनांचे उन्हें कुछ लोगों को बोला कि धीरे धीरे चुना गया है, चुनके एक प्लास्टिक में रखा गया है और दोबारा उन टुकड़ों की तशरीह बिल्कुल वैसे ही हुई जिस तरीके से शहीद के जनाजे की तशरीह हुई थी। यानी उतना ही मजमा फिर आया ताकि इन टुकड़ों को जो है शहीद के जनाजे तक पहुंचाया जा सके। अजीजाने गिरामी, मैंने कहा दीन और बेदीन में फर्क क्या होता है? जब वहां पे हालात तब्दील हुए, नई हुकूमत आई तो वहां लिखा गया जमहूरी इस्लामी ये नाम पहले शायद कहीं और नहीं लिया गया था। इस अंदाज से पड़ोसियों को बहुत पसंद आया। सलावात भेजिए मोहम्मद पड़ोसियों को पसंद आया। उन्होंने अपने पासपोर्ट पे लिख दिया जमहूरी है इस्लामी है पाकिस्तान। उनको देख के दीन पे अमल किसे कहते हैं, दीन के साथ खलूस किसे कहते हैं और खाली दीन का नाम लेना किसे कहते हैं। तो यहां भी लिखा गया जमहूरी इस्लामी, वहां भी लिखा गया जमहूरी इस्लामी। इत्तेफाक से हादसा वहां भी हुआ और इत्तेफाक से हादसा यहां भी हुआ। एक धमाका पड़ोस वाले जमहूरी इस्लामी में हुआ, एक धमाका यहां वाले जमहूरी इस्लामी में हुआ। वहां इस्लाम का नाम लिया जाता था, इस्लाम पे अमल नहीं हो रहा था। यहां इस्लाम का नाम लिया जाता था, इस्लामियात पे अमल होता था। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क यह हुआ जब वो धमाका हुआ
पता चल रहा है कि ये वो है, तवज्जो है ना इंद्रा लगे रानी, जो दीन पे चले, दीन को मानने के साथ, जो दीन को पहले चले, दीन को कबूल करने के बाद, दोनों में फर्क यह है कि बर्बाद वो भी होता है बम के धमाके में, मारा ये भी जाता है बम के धमाके में, मगर जो दीन का नाम लेता है दीन पे नहीं चलता, उसे ढूंढो तब भी नहीं मिलता, जातों से पता चलता है कि ये है, और जो दीन को मान के दीन पे अमल करता है कब्र में जाके इतना बाएख्तियार होता है कि लोगों को बताता है जिस्म के टुकड़े पड़ा गए हैं वहां से ला के ले लिए गए कर लो कि अगर हमने दीन को कबूल किया है तो दीन के लिए पुरखलूस रहें, दीन के लिए नियतों को साफ रखें, दीन के लिए हमारे आमाल और किरदार में पाकीज़गी आनी चाहिए, और जब पाकीज़गी आती है तो दसों लोगों हजारों लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, अकेला आदमी। आज मैं ऐसी मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अकेला आदमी अबरा जैसा लश्करी लश्कर में आ रहा है, अपने वक्त का जाना माना पहचाना होगा आदमी, जिसको नाम सुन के लोग परेशान हो रहे हैं, अबरा काय के लिए आ रहा है, खाने काबा को ढाने के लिए आ रहा है, क्यों? इसलिए कि वो कहता है यहां लोग इकट्ठा होकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यमन में ऐसे ही एक बनवाऊंगा ताकि लोग वहां इकट्ठे, ठीक है ना, तो इस ये मजमा उसके अच्छा नहीं लगता, वो अपना मजमा वहां इकट्ठा करना चाह रहा था, इसको ढाए बगैर ऐसा नहीं होता, गाने के लिए आया, मक्के वालों को खबर मिली परेशान, अबरा लश्कर लेके आ रहा, हाथियों का लश्कर, हाथियों का लश्कर जानते हो, अरब वालों ने हाथी नहीं देखा था, वाकई नहीं देखा, तो जब वो हाथियों का लश्कर आया ना तो उस साल को उन्होंने नाम रख दिया आमुल फील, हाथियों का साल, आमुल फील, आप देखिए तारीख में हिजरी भी दिखाई देगा, कबले मसीह भी दिखाई देगा, आमुल फील भी दिखाई देगा, आमुल हाथियों का साल, इतना मुतासिर हुए रोग में आए कि उस साल को उन्होंने हाथियों का साल करार दिया, पहले से परेशान, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली थे, सब परेशान, क्या होगा अब्दुल मुत्तलिब, अरे इतना बड़ा जंगजू आ रहा है, इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है, मार डालेगा हम सबको, हम तो बचे ही गए नहीं, काबे को क्या करें, कैसे बचाए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, तुम क्यों परेशान, तुमको जहां जाना है तुम भी चले जाओ, वो दर्रे मर रहे हैं ना मक्के से बाहर निकलो, देखो बहुत से दर्रे तुम्हें दिखाई देंगे, जाओ तुम लोग वहां चल जाके सुकून इत्मीनान के साथ रहो, तुम्हें सामने आने की कोई जरूरत नहीं, मैं रहूंगा यहां, मैं यहां रहूंगा, अभी जाहिर है इस्लाम नहीं आया है, मगर कितना यकीन है, कितना इत्मीनान है, कितना भरोसा है, कहा मैं रहूंगा, तुम भी चले जाओ, वो भी चले गए, जो परेशान किए हुए थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, मक्का छोड़कर वो भी चले गए, अब्दुल मुत्तलिब उधर लश्कर आए मक्के से कुछ दूर पे, लश्कर रोक दिया गया, रोक दिया गया, तो उसके लोगों को पता चला कि जो थे वो भी चले गए, खाली अब्दुल मुत्तलिब का तब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, अब तो टकराव हो ही गया नहीं, अब तो जैसे ही जाएंगे खाने काबा को तब तो बर्बाद कर देंगे, इत्मीनान से वहां थोड़ा सैर तफरी कर रहे, एक दिन ऐसा हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो चरने गए थे उन्होंने पकड़ लिए, उन्होंने तलाश किया ऊंट नहीं मिले, तो चले गए अबरा के पास, लोगों से कहा अबरा से कह दो अब्दुल मुत्तलिब आए, अबरा को पता था खाने काबा के मुतवल्ली कौन है,
उसे जब पता चला अब्दुल मुत्तलिब आए, बहुत खुश हो गया। आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मेरे खुदा का घर, खुदा के वास्ते वापस चला जाओ, उसे बचा ले। खबर जो है नहीं जाने के रानी, अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं मेरा ईमान सऊदियों का ईमान नहीं है, सलाम है मोहम्मद वाले। मैं असली खुदा के घर को बचाने के लिए बनावटी खुदाओं को नहीं बुलाऊंगा, सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। देता है आने की कि बिया के हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खुदा के घर को बचा दे, मत उसको था, वापस चला जा, जो तू कहेगा कबूल करेंगे। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब आए, अब्राहा ने पूछा क्या मसला है, क्यों आए हो? कि बस मसला ये है कि तुम्हारे फौजियों ने मेरे ऊंट चुरा लिए। कभी कि बस मैं अपने ऊंट लेने आया हूं, मेरे ऊंट उन्होंने ले लिए, मैं अब्दुल मुत्तलिब बड़ी इज्जत थी तुम्हारी मेरी निगाह में, मगर आज तो मेरी समझ में आया कि गलत मैं सोच रहा था कि तुम इतने अहम आदमी हो। का क्या मतलब? का तुम्हें अपने ऊंट की इतनी परवाह, और मैं तुम्हारे खुदा के घर को उठाने आया हूं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। जो है ना, और जब बंदा इतना इत्मीनान करता है तो नतीजा, अब्राहा ने ये सोच के हमला किया कि अब तो कोई सामने आने ही वाला नहीं है। चुनांचे खाने काबा की तरफ पड़ा, खुदा ने कहा मेरे एक सच्चे बंदे ने मुझ पर यकीन किया, मैं उसके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, ताकि औरों को हौसला पैदा हो। खुदा पे यकीन किसे कहा जाता है? मेरे बंदे ने यकीन करके कहा ये घर अल्लाह का है, वो उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा सबसे बड़े जानवर लेके आया था, खुदा ने कहा इतने बड़े बड़े जानवरों की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं सबसे छोटे परिंदे लेके आया। सबसे बड़े जानवरों के मुकाबले में सबसे छोटे परिंदे, अब अबाबील बड़ी छोटी सी होती है, और जो असला ले गया वो क्या था, अबाबील तो खुद ही छोटी होती है, उसकी चोंच, उसके पंजे, वो छोटे से बहुत छोटा, छोटी से चोंच, छोटे से पंजे, पंजों में एक कंकरी, चोंचों में एक कंकरी। अबाबीलों का लश्कर अब्राहा के लश्कर से मुकाबले के लिए आया,
जब वो तलवार चलेगी तो इतनी ही आम होगी कि इस चलाने वाले के खलूस को देखते हुए जिब्राइल अमीन को आवाज देनी पड़ेगी, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय ज़ुल्फ़िकार के। तो अजीजो, आज की गुफ्तगू मेरी इसी मरहले में घूमती रही कि हम दीन को मानते हैं तो उस दीन पे खलूस के साथ अमल करने की कोशिश करें। खुदा की कसम, मैं आज आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं, एक दिन आप करके देख लीजिए। दीन ने जो पैगाम दिए, मसलन किसी बहुत मुश्किल में, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है, खुदा कहता है मेरी बारगाह में आओ, दिन में आओ, रात में आओ, सुबह आओ, शाम आओ, निसब शब को आओ, सहर के वक्त आओ। वो बादशाहों का दरबार होता है जो सुबह से शाम तक फिर बंद, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। एक दिन मेरी मैं आज कर रहा हूं उस पर, अगर एतमाद कर सके, देखना चाहे तो एक दिन आप देख लिया, अगर भाई बहुत बड़ी मुश्किल में हो तो निसब शब के बाद उठ के वो नमाज पढ़ लीजिए जिसे नमाज शब कहा जाता है। थोड़ी जहमत तो होगी आपको, लेकिन पढ़ लीजिए नमाज शब। कितनी रकात है जी? बिल्कुल सुबह की तरीके से, हंस रहे हैं लोग, दिन में तो पढ़ नहीं पाते, रात को कैसे पढ़ रही है? सलावात भेजिए बहुत अहमियत हासिल है मोमिन की अलामतों में नमाज शब का पढ़ना भी, मोमिन की अलामतों में वाजिबात के साथ साथ मुस्तहब नमाज है और उसके साथ साथ ये वाली नमाज जिसे नमाज शब कहा जाता है, अरबईन की ज़ियारत, अकीक की अंगूठी वगैरह वगैरह, उसमें ये नमाज शब भी मोमिन की अलामत मोमिन में है, मोमिन नमाज शब पढ़ता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि नमाज शब 8 रकात है, बिल्कुल सुबह के तरीके से 2-2 रकात करके पढ़ी जाएगी, 4 मरतबा यानी 8 रकात हो जाएगी, लंबी चौड़ी मत पढ़िए। जब 8 रकात आप पढ़ लीजिए तो 2 रकात नमाज शब, उसमें खाली कुनूत नहीं, बस बाकी जैसे पढ़ी वैसे पढ़ लीजिए, वो खत्म हो जाए तो 1 रकात बता। इस नमाज में एक ही रकात में कुनूत भी है जिसमें बहुत सी दुआएं हैं, 40 मोमिनों के लिए मगफरत की दुआ भी है, इस्तिग़फ़ार भी है, आप कम से कम कीजिए लेकिन एक दिन करके देखिए। और फिर जिस मुश्किल को सामने रखा है मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से बारगाह परवरदिगार में उस मुश्किल को पेश कर दीजिए, देखिए दूसरे दिन अगर उकता कुशाई हो जाए तो यकीन कर लीजिएगा कि हमारा दीन किसी काम का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा पैगाम पहुंच गया, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल चीज है, बस जरा यकीन पैदा करने की कोशिश कीजिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा वक्त देना है। बहुत से कामों में हम वक्त देते हैं, इन कामों में जरा सा वक्त देखें, फिर खुद हमारे सामने ये आश्कारा होने लगेगा कि दीन हमारी कितनी मुश्किल कुशाई कर सकता है, दीन हमारे कहां कहां काम आ सकता है, इसको आप महसूस करेंगे अज़ीज़ाने किराम। और जब महसूस होने लगेगा तो खुद ब खुद वो खलूस पैदा होने लगेगा, खुद ब खुद नीयतों में पाकिजगी पैदा होने लगी, खुद ब खुद हम अमल की तरफ बढ़ने लगेंगे। बस मैं आपके जहनों को उस पैगाम तक पहुंचा चुका जहां तक पहुंचाना चाह रहा था। करबला की सरजमीन पे अहले बैत से अथाह हर तरीके से मुसीबतों में गिरे, है ना? जब आदमी मुसीबतों में घिरा होता है, सामने एक जंग में गफीर है दुश्मन के लश्कर का जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं नजर आ रही, तो ऐसे में आदमी असलहे तीर कमाने ये इसकी तैयारी करता है कि नमाजें पढ़ता है?
जी कल मुकाबला करना है तो मुकाबला स्लो से हो, तो अगर रात एक मिल गई है इत्तेफाक से तो हमें असलेह जमा करने चाहिए। मगर हुसैन आवाज दे रहे हैं मोमिन हो, अल्लाह इकबाल कहते हैं ना मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। मोमिन को तलवार की जरूरत नहीं, मोमिन का ईमान खुद इतना अहम होता है कि वो ईमान तलवार से कहीं ज्यादा काम करता है। लिहाजा इमाम ने जो एक शर्त मिली है इमाम अली मकाम को तो काहे में गुजारी उन्होंने, इबादत में, नमाजों में। रिवायत कहती है अहले बैत ताहरीन के खेमों से तस्बीह और तहलील की आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से भिनभिनाहट की आवाज आती है पूरी रात। ये बातें खाली सुनने के लिए नहीं है, ये बातें इसलिए है ताकि हम अमल करें। आका ने मुश्किलात में किस चीज के जरिए मदद हासिल की है? कुरान कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जब मुश्किलात में घिरो तो नमाज से मदद हासिल करो, सब्र से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन कुरान पे अमल कर रहे थे, हुसैन कुरान पे अमल कर रहे थे। मुश्किलात आई है तो इमाम आदिम मकाम अपने तमाम साथियों के साथ पूरी रात इबादत इलाही में गुजार रहे हैं। और जब सुबह नमोदार होती है तो उस जज्ब ईमानी के तहत आगे बढ़ते हैं, एक एक करके शहादत देना शुरू करते हैं। इसलिए कि हुसैन करबला के सरजमीन पे लोगों को कत्ल करने नहीं आए थे, शहादत देने आए। वो तो मैदानी कतार में जंग इसलिए हुई ताकि कोई ये ना कह दे कि हुसैन कुछ कर ही नहीं सकते थे तो मरते नहीं तो और क्या करते। इसलिए हुसैन और हुसैन के साथियों ने ताकत का मुजाहिरा किया ताकि पता चले हमारे पास ताकत है, लड़ना चाहे तो हमारा एक हालात की काया पलट कर सकता है। मगर इनको कत्ल करके मकसद हासिल नहीं होगा बल्कि शहीद हो के मकसद हासिल होगा। इसलिए हम शहीद होने के लिए आए, जानते हैं मुकम्मल इंसानियत का नाम है इस्लाम और मुकम्मल हैवानियत का नाम है बेदीनी। जहां हैवानियत का हर पहलू नुमाया हो जाए वहां उसे बेदीनी कहते हैं, और जहां इंसानियत का हर पहलू सामने आ जाए उसे इस्लाम कहा जाता है। करबला के सरजमीन पे यही हुआ है। हुसैन ने पूरे दिन वो सब करके दिखाया जो एक इंसान कर सकता है, और यजीदियों ने पूरे दिन वो सब करके दिखाया जो एक हैवान और दरिंदा कर सकता है। और हुसैन यही फर्क वाजे कराना चाहते थे कि जो दीन वहां है वो दीन नहीं बेदीनी है, हैवानियत है, और जो दीन हमारे पास है असल में दीन वो है। उसके लिए इसको साबित करने के लिए इमाम अली मकाम ने एक एक कुर्बानी पेश करनी शुरू की। कभी साथी मैदान में गए, कभी ऐसा अकरबा मैदान में गए। आज के दिन जिसका गम हमें और आपको करना है वो कोई और शख्सियत नहीं है, इमाम हसन मुश्तबा हमारे और आपके दूसरे इमाम, उनके फर्जंद हैं जनाब कासिम इब्ने हसन। मगर आजादार हूं, आज के दिन शब जुमा है। जिस दीन के सिलसिले में मैं इतनी देर से आपके अजहाने आलिया को मुल्तफित कर रहा था वो दीन कितना कीमती है, उसके लिए अहले बैत अतहार ने क्या कुछ नहीं किया उससे दो चार जुमलों में बयान कर लूँ, फिर जनाब कासिम की शहादत आपकी खिदमत में पेश करूँ। अजीजों आज शबे जुमा है ना, रवायात में मैंने देखा कि जब अहले बैत नबी शाम के जिंदान में जाके कैद तो किसी ने आके अपने घर में खातून ने खाना से कहा जरे मोमना तुझे पता है शाम के जिंदान में कुछ ऐसे कैदी आके कयाम पजीर हुए हैं जिनसा कैदी मैंने आज तक देखा नहीं है, मेरी निगाहों ने वैसे कैदी देखे नहीं है। तुर्को दैलम से कैदी आए हुए हैं और उनकी मिसाल आज तक मेरी निगाह से गुजरी नहीं है। का आज शब जुमा है,
नजर हुसैन का खाना पका दे। बहुत भूखे लोग हैं, बहुत प्यासे लोग, बड़े सताए हुए लोग। नजर हुसैन का खाना पका और लेके चल उन यतीमों गरीबों बेवाओं को खिला और अपने आका हुसैन की जिंदगी की दुआएं दे। ये बीबी खाना तैयार करके बहुत इज्जत और आबरू के साथ उसे सजा के खान में सर पर रख के जिंदान शाम में आई तो देखा कि जिंदान के दरवाजे पे एक बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौके खारदार है, कमर में लंगर है। उससे पूछा, ये बताइए इस काफिले की काफिला सालार बीबी कौन है? उस बीमार ने कहा, सामने वो जो मुखद्दरा बैठी हुई है वो इस काफिले के काफिला सालार है। क्या मैं ये खाना लाई हूँ? मुझे खबर मिली है कि तुर्को दैलन सब कुछ कैदी आए हैं। मरतबा जनाबे सरदार ने फरमाते, क्या कहा? तुर्को दैलन के कैदी? ये तुर्को दैलन के कैदी नहीं, ये कैदी मदीने के कैदी। वो जनाबे जैनब औलिया मकाम के पास जाती है और जाके कहती है, बीबी मैं माफी चाहती हूँ, मुझे खबर मिली थी कि तुर्को दहलम से कैदी आए हैं, अब मुझे पता चला कि ये मदीने के कैदी हैं। ये कुछ खाना लाई हूँ, इसे खा लीजिए, बच्चों को खिला दीजिए, फिर मेरी कुछ दुआएं हैं, मैं चाहती हूँ। बीबी ने पूछा, ये बताइए खाना सदके का तो नहीं? क्यों? इसलिए कि सदका हम पे हराम है, सदका हम पे हराम है, हम औलाद रसूल है, सदका नहीं खा सकते। तो वो बीबी कहती है, नहीं बीबी ये सदका नहीं है। अच्छा मैं आपके तशफी के लिए बता दूं कि यह कौन सा खाना है? उसने बताना शुरू किया, बचपने का जमाना था जब कभी मैं बीमार हुई, हर मुआलिज ने इलाज से इनकार कर दिया, हर तरफ गई कहीं मुआलिज इलाज न कर सके, किसी ने नबी के घर का पता बताया, मैं बैत नबी में गई, वहां छोटा नवासा हुसैन खेल रहा था, नबी ने कहा इसके सर पे हाथ फेर दो, हुसैन ने मेरे सर पे हाथ रखा। वो दिन और आज का दिन कभी बीमारी के नाम पे मुझे छींक भी नहीं आई है। घर वालों का दस्तूर बना, जब शब जुमा आती है हम नजर हुसैन का खाना पकाते हैं, खाना पका के गुरबा यतीमों मिसकीनों को खिलाते हैं और उनसे खिला के कहते हैं, मेरा आका हुसैन की जिंदगी की दुआएं कर लो। तुम मदीने के कैदी हो, हुसैन को तो जानते हो गे ना, ये उसी की नजर का खाना है, खा के मेरे आका की जिंदगी की दुआएं करो। एक मरतबा जैनब ने उस पार पे तमाशा मारा, ए बीबी अभी ये नजर का खाना ना पकाना, मेरा भैया हुसैन मारा गया, ये काफिला उसी का खानवादा है जो शाम के दरबार में सिर करके लाया गया। दीन को पहुंचाने के सिलसिले में, हमें दीदार बनाने के सिलसिले में अहले बैत ने कितने कुर्बानियां पेश की। अल्लाह दारा ने इमाम आले मकाम करबला के सरजमीन पे सुबह से शाम तक वो सब हो गया जिसको हम पूरी जिंदगी रोए मगर रोने का पता नहीं कर सकते। हाँ अजीजो, सुबह से एक एक साथी, एक एक दोस्त, एक एक हबीब हुसैन का रुसत हो रहा है। कभी मेरा आका रोने लगता है, कभी आका किसी की आवाज सुन के मैदान में जाता है, कभी किसी का जनाजा लाता है और कभी किसी को फिर रुसत कर रहा है। ऐसे में जाने वाले बार बार इमाम के पास आते हैं, मौला अब मुझे मैदान में जाने की जरूरत। उन आने वालों में एक 13 साल का बच्चा भी था जिसका नाम कासिम है। चचा जान, आप हमें इजाजत नहीं देंगे? और मेरे आका फरमाते थे, बेटा कासिम तुम मेरे भैया हसन की यादगार हो, तुमको जब बाप भैया को देखना चाहता हूं तो मैं तुम्हें देख लेता हूं, ये बताओ तुम्हें मैदान में छोड़ दूंगा फिर भैया की जियारत में किसके जरिए करूंगा? तुम्हें इजाजत नहीं देता। कासिम बार बार इमाम के पास आ रहे हैं,
मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। कासिम ने रोना शुरू किया। रोते रोते याद आया कि मेरे बाबा ने इस दुनिया से जाने से पहले एक तावीज मेरे बाजुओं पे बंधवाया था और कहा था, कासिम जब कभी मेरा भाई हुसैन जहमतों में मुब्तला दिखाई दे इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। जनाब कासिम ने तेजी से तावीज खोला, खोल के उसकी तहरीर पढ़ी। लिखा था, बेटा कासिम करबला में मैं न रहूंगा, लेकिन जब मेरा माजाया हुसैन दुश्मनों में गिर जाए तो तुम हमारी तरफ से अपनी कुर्बानी पेश करने में परहेज न करना। ये तहरीर देखी, खुशी खुशी अपने चचा के पास लेके आए। चचा जान अब तो आप इजाजत देंगे ना? कहा, बेटा क्या बात है। कहा, ये बाबा का वसीयतनामा है जो तावीज के तौर पे मेरे बाजुओं पे बना हुआ था। हुसैन ने वो तावीज पढ़ा और पढ़ के बहुत देर तक हुसैन रोते रहे। जिस तरीके से कासिम को हुसैन ने रुखसत किया, रिवायत कहती किसी शहीद को उस तरीके से हुसैन ने रुखसत नहीं किया था। कासिम को भेजते हुए जितना हुसैन रोए हैं, किसी शहीद को मैदान में भेजते हुए हुसैन उतना नहीं रोए हैं। पहले वो तहरीर देख के हुसैन रोते रहे, फिर कासिम को गले लगाया और गले लगा के कासिम को रोते रहे। काफी देर जब रो चुके तो एक मर्तबा हसन के यतीम को सामने खड़ा किया। सामने खड़ा करके इमाम अली मकाम ने कुर्ते का गरिमान इस तरीके से चाक कर दिया जैसे हम मुर्दों को कफन पहनाते हैं ना, तो कपड़ा चाक करके उसे पहनाया जाता है, वैसे गरिमान चाक कर दिया। गोया हुसैन बताना चाह रहे हैं, मेरे लाल कासिम तुम मैदान में जा रहे हो, मैदान से आने के बाद तुम्हारा जिस्म इस लायक नहीं रह जाएगा कि उसको कफन दिया जा सके। गरिबान चाक किया, फिर गले से लग के रोए और फिर उसके बाद इमाम अली सलातो सलाम ने अपने भतीजे कासिम को मैदान में जाने की इजाजत दी। कासिम रस पढ़ते हुए मैदान में आए। 13 साल की उम्र में जब जनाबे कासिम ने जंग शुरू की है तो दुश्मन हैरत ज़दा रह गया ये देख के कि खानवादे अमीरुल मोमिनीन के बच्चे भी इस तरीके से तलवारबाजी करते हैं जैसे ये 13 साल का बच्चा तलवारबाजी कर रहा है। हजारों के मजमे में यक्को तनहा लड़ रहा है। जनाबे कासिम ने इस उम्र में भी बहुत सारे यजीदियों को तहे तेज किया, लेकिन 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है, उसके बाद तपिशे आफ्ताब है, करबला का जलता हुआ सहरा है, आखिर लड़ने वाला कितनी देर लड़ेगा। इतने में एक मरतबा जनाबे कासिम पे तलवार पड़ी, कासिम घोड़े से जमीन पे आ गए, जमीन पे आके आवाज दी, अम्मा हो अदरिकनी, अरे चचा मेरी मदद कीजिए, चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन ने जो ही कासिम की आवाज सुनी है, एक मर्तबा लिखा है बास की तरह झपट के लश्कर पे जनाब कासिम की तरफ गए हैं, तलवार अलम किए हुए नहायत तेजी के साथ वहां जा रहे हैं जहां जनाब कासिम का जिस्म नाज़िरी पड़ा हुआ है। लोगों ने देखा इस रोह दबदबे के साथ जब अली के लाल को आते हुए देखा, मारे डर के भौजे इधर की भौजे उधर हो गई, उधर की भौजे इधर हो गई, घोड़े की टापो टापे और कासिम का जिस्म नाज़िरी जब जिस्म कासिम पे किसी घोड़े की टाप पड़ती थी, कासिम की आवाज आती थी, चचा मदद के लिए आओ, चचा मदद के लिए आओ, चचा मदद के लिए आओ, यहां तक कि आवाज रुक गई। जब से दुश्मन हटा है, गर्द हटी है और तलाश करते हुए हुसैन कासिम के लाशे पे पहुंचे तो कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मेरा इमाम जनाबे कासिम पे जाके इतना कह सका, बेटा तुम्हारा चचा बहुत शर्मिंदा है, उस वक्त तुम्हारे पास पहुंचा
जब मेरी मदद तुम्हारे काम ना आ सकी। अला लअनतुल्लाह अलल कौम सालिमीन।